हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सैटरडे है आज और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ अपनी सफाई करके सारी और अपने पौधों को पानी देके। अभी मैं रेडी होने वाली हूँ जिम के लिए, क्योंकि जिम अभी नहीं जाऊँगी तो इवनिंग में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मॉर्निंग जिम इज़ बेस्ट और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस यार, इतना पेन हो रहा है ना कभी कभी तो उठा ही नहीं जा रहा मॉर्निंग में। तो यस्टरडे मैं जिम गई थी इवनिंग में, बिकॉज मॉर्निंग में मुझसे उठा ही नहीं गया। मेरे लेग्स में इतना पेन होता है जैसे वही उठा ही नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, बट स्टिल कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, विल पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो चलो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। जिम के लिए तैयार हो चुकी हूँ प्रॉपर, जस्ट मैंने शूज़ पहने हैं और उसके बाद मैं जाऊंगी जिम। और आपको एक चीज़ बताऊं, कल मेरी जिम में छुट्टी है बिकॉज जिम में संडे को ऑफ होता है और मुझे उसका इंतज़ार रहता है छुट्टी का। एंड आई रियली मिस यू मित्तू, सीरियसली बहुत याद आ रही है। अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ मैं। जिम अच्छा वो है, जिम में फिट भी रहूँगी और थोड़ा टाइम भी पास अच्छे से हो जाएगा और वर्कआउट का वर्कआउट हो जाएगा। घर पे आप सोचो ना, घर पे आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, दैट इज़ बिगेस्ट रीज़न। तो मैंने पहन लिए हैं शूज़ भी, अब मैं थोड़ा सा अपने हाथ धो के अपना ये वाला पानी और साथ में ईयरबड्स एंड फ़ोन, और मैं मास्क लगा के जाती हूँ क्योंकि बहुत डस्ट होती है तो मास्क बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हे बहुत पेन हो रही है, कल मैं इवनिंग में गई हूँ ना तो अभी तक मेरी प्रॉपर रेस्ट नहीं हुई है बहुत। और इवनिंग में जाने का रीज़न ये भी था क्योंकि कल मुझे बहुत काम था, बेडशीट धोनी थी, यूनिफॉर्म्स थी, मेरे कपड़े थे, पता नहीं क्या क्या, बहुत काम, सफाई पूरा, मतलब नीट एंड क्लीन वाली सफाई करनी हो तो फिर बहुत टाइम लगता है उसके लिए। वैसे तो डेली होती रहती है बट डस्ट इतनी है कि करनी पड़ती है। व्हाई एम वेस्टिंग माय टाइम यार, चलती हूँ मैं। बाय। अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि मेरे को पूरी बॉडी में ही मतलब बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है और मेरा फेस देखो कैसे रेड हो गया बहुत। मतलब अभी कम से कम 1.5 घंटे से मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रही हूँ और अभी मैं और करूँगी जाके। इट्स नॉट ईजी ब्रो, स्पेशली वो लोग जो बोल रहे थे कि स्पेशली वीडियोस के लिए जिम जा रही है, तो ब्रो इतना फालतू का पैसा भी नहीं है मेरे पास ना एनर्जी है कि मैं जस्ट फॉर ब्लॉग या जस्ट फॉर वीडियोज़ के लिए जिम जाऊँ। आई लव फिटनेस एंड आई लव टू बी फिट, दैट्स वाई आई जॉइन जिम। मेरा जिम आउटफिट आज का पूरा कंप्लीट आपको मैं दिखा दूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो आप मेरे मसल्स में भी थोड़ी अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ इसमें हल्का सा कट आया ना, ये पहले नहीं था, ये जस्ट अभी अभी आया है मेरे को जिम ज्वाइन करने के बाद। ये देखो यहाँ से अरे स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखो वही चौकट आई है। और सही में आज मेरी बाजुओं में बहुत दर्द हो रही है, मेरे हाथों भी छाले आ गए, छाले, यू कैन सी दिस। से आके मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ये है पाइन एप्पल और साथ में है ये पपाया, ये दोनों चीज़ें मैं अभी खाऊँगी क्योंकि अभी मेरी बॉडी को बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये खाऊंगी और उसके बाद फिर नहाऊंगी, उसके बाद कुछ ओट्स वगैरह खाऊंगी, आफ्टर दैट लंच, और उसके बाद लंच के बाद जैसे फ्रूट फिर से खा लेती हूँ मैं, और डिनर में मैं दाल या कुछ ऐसा लेती हूँ। ये मेरा डेली का मतलब डाइट चार्ट है, अभी एग्जैक्ट मुझे डाइट चार्ट मिला नहीं है बट स्टिल मैं पूछ लेती हूँ उनसे डेली की क्या खाऊँगी क्या नहीं खाऊँगी। एंड बहुत थक गई हूँ मैं यार, तो वीडियोस बनाने के लिए नहीं यार, बॉडी अपनी मेंटेन रखने के लिए जिम जाते हैं लोग, बट कौन समझाए। होप आपको आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा कुछ गिने चुने बेवकूफ़ों को।
देख रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार एकदम कैसे होगी। तो मुझे एक रील शूट करनी थी, एक क्या दो तीन रील शूट करनी थी, वो मैंने की। तो मैंने स्पेशली उसके लिए सूट पहना था और साथ में ये देखो कितना प्यारा सा मंगलसूत्र मुझे रिसीव हुआ है। यूनिक कलेक्शन फॉर ऑल पेज से मुझे रिसीव हुआ है ये इंस्टाग्राम से। आप रील में कोलेबोरेशन में देख सकते हो, उनकी आईडी नीचे मेंशन होगी अगर आप ऑर्डर करना चाहते होंगे। जिसको गिफ्ट भी करना चाहते होंगे तब भी ये बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसा मंगलसूत्र, उनके पास और भी डिफरेंट डिज़ाइन डिफरेंट ड्रेसेस बहुत कुछ है उनके पास। तो आप ज़रूर उनका पेज फॉलो करें और साथ में ऑर्डर भी करें। और ट्रस्टेड आईडी है तो भी मैं जाती हूँ नहाने पूरा सिंदूर। यार मेरे ना यहाँ यहाँ पे ना बाल बहुत कम हो गए, जैसे मैं बहुत सिंदूर लगाती थी ना, उतना भी नहीं लगाती थी यार, बट स्टिल यहाँ पे ना एकदम ऐसे खाली खाली जगह हो गई है ज़्यादा ही। तो आपको तो पता ही है कि अभी मैं ज़्यादा तैयार इसलिए नहीं होती बिकॉज हम फिर से शादी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बट रील शूट करने के लिए मुझे स्पेशली होना पड़ रहा रेडी, और घर जाते तब भी होना ही पड़ता है। तो अभी आप देखो क्या हालत है, हालत अच्छी है वैसे ही, देखो बेड पे है, हालत ख़राब। टेडन 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 कपड़े कपड़े, अब मैं कपड़े सेट करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और नहा के आऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है यार, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर ली पहले, उसके बाद ही नहाऊँगी। इसलिए बाय, नहा के मिलते हैं। फिर मैं आ चुकी हूँ नहा के और बहुत अच्छा लग रहा है, हल थोड़ा फ्रेश भी फील हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी गर्मी सी थी। और तो गाइस अभी मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा रोमांटिक, अभी बताती हूँ। ये देखो भाई बारिश हुई है और देखो पूरी गैलरी में पानी पानी हो गया और थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी आ गई है। तो ये मेरे को सारी साफ़ करनी पड़ेगी अब, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है। जब तक मैं गैलरी साफ़ करूँगी तब तक मैं नीचे अपना फ़ोन देके आती हूँ आंटी के पास, क्योंकि उनके घर पे जनरेटर है तो मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर मिलते हैं। मेरे काम ही ख़त्म नहीं होते यार, मैं सोचती हूँ मेरे काम ख़त्म हो जाए पर कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है बीच में। चलो कोई बात नहीं, नीचे आंटी के पास और आंटी ने सूट निकाला है और इसको मैं अभी सिलूँगी। अब मैं आपको अपना टैलेंट दिखाऊँगी गाइस, देखते हैं आंटी का सूट मैं ख़राब करती हूँ कि मैं अच्छा सिलती हूँ। तो अभी मैंने इंची टेप लिप भी ले लिया है, इससे मैं नाप लूँगी। अब मैं बन गई हूँ टेलर। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ आंटी का ये सूट लेके, और इसकी अभी मैं कटिंग करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे देखूँगी, उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी। यार पता नहीं ख़राब ही ना हो जाए मुझसे सूट, कोशिश करती हूँ। प्लाजो का पूरा ड्राफ्ट जो है वो इस पर बना लिया है यूट्यूब से देख देख के। अब इसकी कटिंग करूँगी मैं, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं। देखने में तो मुझे गलत ही लग रहा है, पता नहीं बाकी मुझसे कुछ गलती हो गई है काटने में, तो इसलिए मुझे किसी को बिना बताए टेलर के पास जाना होगा। बट साथ में मैं मुकुल भैया को लेके जा रही हूँ, और ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। यार बेइज्जती होगी मेरी, क्या ही ख़तरनाक टेलर बनी हुई हूँ मैं, किसी को पता ना चल जाए। दूसरी बार नहीं लूँगी ऐसा रिस्क, मतलब बिना सीखे यार सिलना बड़ा दिक्कत वाली बात है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग गाइस। टेलर के पास में जाके आ गई और मैंने अपना कटिंग करवा ली, और मुझे ख़राब किया था वो भी ठीक करवा लिया। एंड गेस व्हाट, हुई सी कल्पना आ गई है मेरा दिमाग खाने के लिए फिर से बस। ये देखो मुझे नोच भी रही है। और अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, आज हम डाइट चीट करने जा रही हूँ मैं। हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। यस, और मैं आज गोलगप्पे खाऊंगी क्योंकि मुझे डाइट चीट करनी है, मन कर रहा है बहुत खट्टा खट्टा खाने का। अभी हम असली गाइस अभी हम आ चुके हैं जाके बाहर से, और अभी हम खाएंगे खाना। इधर आ, हेल्प तो कुछ कराती नहीं है, इधर साथ साथ तो घूम सकती है। मैं तो मस्ती करने आती हूं इसके घर। मैंने बनाया है मटर, आलू और मटर, साथ में राइस। आज मैं राइस खा रही हूँ कितने 3 हफ्तों बाद। देखो गाइस ये देखो कितना परेशान कर रही है मेरे को। देखो गाइस मैं खाना डाल रही हूँ, परेशान कौन कर रहा है, आप भी समझदार हैं। देखो गाइस मैंने बोला है थोड़े से चावल डालना, और इसने कितने भर भर के डाल दिए। गाइस इसने पहले कुछ और बोला था, ये कैमरा के सामने कुछ और बोल रही है। गाइस देखो इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना, एक्टिंग में मेरे से भी 2 कदम आगे है। वाह दीक्षा तेरी आईज बचिन रहे हैं, वैम्पायर ही हूं। वैम्पायर, सीरियसली वैम्पायर की तरह लग रही है। चल चल मेरे। आ जाओ गाइस खाना खा लो, आज मैं दीक्षा की जान खाने वाली हूँ रात को, आज ये बचेगी नहीं मेरे हाथों। कल्पना तेरे अपना पर्स देना, लो जी। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फ्रेंड कल्पना अपने बैग में क्या क्या कैरी करती है अपने इस पर्स में।
और मैं चाय पीऊंगी और इसमें चाय विद दीक्षा एंड मैं आपको बताऊंगी कल मैं अपने बैग में क्या क्या डालती और इसमें जितना भी कैश होगा गाइस वो मैं रख लूंगी. ओके okay? बहुत ज्यादा कैश है. कुछ नहीं क्या मतलब तेरा पागल है तू. मैं तो गाइस इसको दोस्तों को बता रही हूँ तुझे क्यों बताऊंगी मैं. तो गाइस शुरू करते हैं. एक तो खुफिया जेब है. खुफिया जेब सबसे पहले खुफिया जेब देखी इसने. खुफिया जेब में पापा का फोटो, पापा मम्मी का फोटो. कैरी किया करो टिकटें सबूत सबूत होता है ये. अच्छा इसके बाहर भी जिप है. ओके मुझे लगा ही था कि इसके बाहर जिप होगी और इसमें कुछ तो है. बैंडेज ओके इसका तो मैं ये तो नहीं चाहिए मुझे. इसका तो मेरे पास पूरा पैकेट पड़ा हुआ है. नहीं मेरे पास पैकेट है पूरा डब्बा है पूरा इसका बैंडेज वाला. तो अभी अंदर से मैं इसको ओपन करने वाली हूँ एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना क्योंकि इसमें कल्पना इसमें है एक मिरर पर आप अपनी शक्ल नहीं देखते बट देख ले तो भी लोमड़ी. एक पर्स में इसमें है वो भाई इस बटुआ भी है. एक गाय ऐसा बटुआ भी रखा करो इससे तो पूछूंगा. और इसमें गाइस पता क्या है इसमें जूड़ा पिंस है. इसमें पहले बहुत कुछ था खाली कर दिया मैंने इसको. अभी नहीं अभी नहीं पहले काफी दिन हो गए. ये लिपस्टिक है ये वाली शेड ये भी दिखाना जरूरी है आपको. जैसे लिपस्टिक लगाने फिर रहे था मैं बात कर रही हूं. एक पत्ता दवाई है मेरी. ये तेरा मंत्र है. इसको क्या मंत्र है ये तेरे लिए लाइफ में सनफ्लावर्स के सीड्स है. Oh my God, guys, मेरे लिए सनफ्लावर्स की शीट लेके आई है और ये मैं पक्का लगाऊंगी. अभी मैं इसका गूगल पे सर्च करूंगी पहले कौन सा. वैसे तो ये सर्दियों में ज्यादा विंटर्स में होते हैं बट स्टिल देख लूंगी कब तक सर्दियों में लगेंगे ये. गाइस सुरमा सुहागिया का जो पाया था कल्पना टिक्कू लाने खातर रख ले गाइस. ये क्या आया नहीं था कुछ क्या होगा देखे जे चार कन्ना लगाने वाले ईयर मतलब ईयरफोन जो होते हैं ना उसके आगे लगता है वो है. कल्पना ये क्या फायदा था ये छोड़ो चप्पल मैं बोला कुछ खरीद. गाइस ये मिली है अच्छे वाली चीज भाई. इसमें तो भाई डॉलर डूलर रखे है इसने. ये मोटी करेंसी रख रही भाई छोटी मोटी क्या पता मुझे गुजरा फोटो दिया. ओ ही सक्का गाइस कोई बड़ी गल नहीं देख कुछ दूसरे फोटो रखी थे हमें. ये फ्रेंड थी मेरी. फ्रेंड थी गाइस इसमें सेला हाँ, भी हो सकता है. हाँ तो इसको क्यों नहीं कहा. अच्छा एक ही है. हाँ एक ही है तभी तो इसको ऐसे अलग से रखा है. मुझे नहीं था ना पता. इश्मी ये चश्मिश यही है. सामने बैठी हूँ उसको कर ले फोटो को कर रही है. किस्मी यू मिस मी हिमाचल नरेगा क्योंकि पैसे वाला खाना लग रहा है गाइस. नहीं यार इसमें तो कुछ चाबी है. चाबी पाए चाबी किस चीज की है किस चीज की चॉप. गाइस गाइस बहुत सारा खजाना मिला उसमें. एक हाथ मिला भी है डाल लेती हूँ उसको. वैसे भी पैसे पूछ रख ले अब तूने बोला था जो जितना कैश होगा रख ले. गाइस नहीं मैं तो मजाक कर रही थी यार. गाइस इस कंपनी में लगी थी मैं पहले. ये इसकी कंपनी का कार्ड है इसका वो है आईडी कार्ड. आई थिंक खुशबू भी इस कंपनी में यार. देखो एक कुछ भी रखा करना है एडा. ए यार इसका वो करना था मेरे को कुछ काम था मैंने एडे ये जो जितने भी खाते खूते के बारे में सारी कापियां इस सारी ये मतलब इस ये पुरानी है ये वाली नीचे वाली नहीं है. वाओ गाइस सेंटर फ्रूट
भगवान एक और पाउच मिले इसके फायदा देखो पर्स हेडफोन डालने के लिए इसने स्पेस एक्सक्लूसिव लाइक ये देखो पिन्ना भी चला रहा है सुइया ये आई कार्ड पाई ना ज्यादा सुंदर नहीं लगा दी दसने वाला मैं जरा कमेंट कर रीला करने सुई भी रखी रही ये अपने पर्स में जरूर रखा गाइस कभी सकती है तो मैं डाल देती हूँ इसमें क्योंकि इसको सामान को देख के ना मुझे कुछ कुछ हो रहा है कल्पना तेरे पे क्लास हम बात चला दी क्या क्या पाए जाते हैं इस चूड़ा भगवान इसमें इस चूड़ा भी आ छिलके भी है छिलके मन में बाहर सपने होते पर्स पाने होते पर करने होते घर आए हुए यार क्या बोल सकते हैं गाइस डाल देते हैं मैं ना कभी भी पर्स नहीं लेके जाती कहीं पे भी हाँ गाइस गाइस तेरे पास आई थी तो लेके आ गई अदरवाइज मैं सिर्फ एक छोटा सा पर्स लेके जाती हूँ और कुछ नहीं जिसमें अपने दोस्तों के फोटो रखती हूँ तू भी दे दे अपने तेरे भी मैं मेरे फोटो ही नहीं है गाइस प्लीज मैं नहीं आप इन पे इन ये मारने को पर्स सज रहे तू मुझे सामने आंदा खुली ठीक ही हो ना पर्स सज पान ओए रुक के पिया ओ माय गॉड कलर पेंसिल ये हमने जो करे लिप लाइनर नहीं लिप लाइनर तो नहीं है कलर पेंसिल ही है कलर पेंसिल है ये सब अलंकार अनुप्रास खुद ही पढ़ा है तू श्लेष अलंकार पिप्सा पुनरुक्ति हाय 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 जन्म में पन्नर जब अच्छा मैं इसकी ये मेरा नहीं मेरे भाई बहन पढ़ते हैं अब भाई कितना कितना सही है ना विश्व में शब्द का प्रयोग शब्द के ये नहीं कर श्लेष अलंकार यमक जितने शब्द उतने अर्थ किसी वर्ष की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार मैं सारे पढ़े पुनरुक्ति याद है जो जी भी मास्टर्स जो करी मैंने संस्कृत में ही पढ़े मैंने अलंकार ही गाइस ऐसे बोल सकती हूँ मैं अपने इतने साल भी हैं संस्कृत में भूली हूँ संस्कृत का क्या बोलने संस्कृत सच में भूली तो गाइस ये था इसके पर्स में जो था मैंने जो इसे जो सस्पेंस बना रखा था क्या सस्पेंस था इसमें बताओ गाइस इसमें थे हाजमुले क्योंकि कल्पना को खाना डाइजेस्ट नहीं होता और इसमें थी च्युइंगम्स जो ये कल्पना च्युइंगम खाती रहती है ये अच्छा है चाय ले ले पहले और मैं आपको बाद में ठंडी पी लूंगी चाय गाइस तो जरूर कमेंट मतलब कमेंट करके बताना आपको कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और कौन सी चीज आपको फनी लगी और कौन सी चीज आपको अच्छी लगी कल्पना के पर्स में तब तक के लिए बाय लव यू ऑल और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें वीडियो पे कमेंट करें और आई होप कि आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट करोगे क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है थैंक यू गाइस बाय बाय गुड नाइट